मला राग दा पावन शब्द 1254 अंग ते यह दूसरा शब्द है मला राग दा। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश कर रहे हैं। खस्तम मेघ राग वै गाव है, पांचा संग बरंगन लाव है, सोरठ गुण मलारी धुनी, गुण गाव है आसा गुण गुनी। धन गुरु नानक देव जी महाराज पावन बचन फरमाते हैं कि अपने प्रीतम गुरु अगे मैं बेनती करती हाँ, जिस करके मैनू हरी रूप वार वार तो भाव हुंदा पति हरी रूप पति नूं लिया मिलावे। मैं अपने गुरु अगे बेनती करती हाँ। इस तरह गुरसिख नूं बेनती करनी चाहीदी अपने गुरां दे अगे। सुन कान कोर शीतल मन मोरा, लाल रत्ती गुण गावै। गुरु रूप बदल दी घन घोर नूं सुन के मेरा मन शीतल होया। मेरी बुद्धि लाल तो भाव प्रेम विच रती होई गुणा नूं गाउंदी है। बरस कना मेरा मन भीना, जिस वेले गुरु रूप बदल ने घना हुंदा बहुत सारा उपदेश रूप जल वरसिया, तां मेरा मन नाम सिमरन दे विच भीना तो भाव है भिज गया। अमृत बूंद सुहानी ही अरै गुरमोही, मन हर रस लीना रहाओ। गुरु साहब की सिख्या रूप अमृत बूंद मेरे हिरदे विच सुहानी भाव चंगी लगी है। जिस वेले गुरां ने मेरी बुद्धि मोही, ताइयों ही फिर मन हरी रस विच लीन हो गया है। विश्राम दे के फरमाते हैं अगे, सहज सुखी वर कामण प्यारी, जिस गुर बचनी मन मानिया। वो जीव रूप स्त्री वाहिगुरु पति की प्यारी हो के सहज ही सुखी हुई है। जिसका गुरां दे बचना उत्ते मन मन्या गया, हर वार नार भई सोहागण, मन तन प्रेम सुखानिया। हरी रूप पति नूं पाक स्त्री सुहागण होई है। सो जिहदे मन तन विच प्रभु का प्रेम सुखा गया, चंगा लग्या। आवगण त्याग भई बैरागन, अस्थिर वर सोहाग हरी। जो अवगणन त्याग के वरागवान जां प्रेमण होई है, उन्हूं हरी रूप पति दा अचल सुहाग तो भाव आनंद प्राप्त होया। सोग विजोग तिस कदे ना व्यापै, हर प्रभ अपनी किरपा करी। उन्हूं पदार्थां दा विजोग जां सोग जिहड़ा उह कदे व्यापदा नहीं, जिस उत्ते हरी परमेश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि कीती है। आवण जान नहीं मन निचल, पूरे गुर की ओट गही। सो इस प्रकार आवण जान नहीं मन निचल, जिन्हें पूरियां गुरां की ओट ग्रहण कीती है, ये पिछों अर्थ लेना पहला पूरे गुर की ओट गही, उहदा मन अचल होया, इस करके उहदा आउणा जाना जमना मरना नहीं हुंदा। नानक राम नाम जप गुरमुख, धन सुहागण सच सही। सतगुरु कथन करते हैं जिस गुरमुख ने गुरां द्वारे राम नाम नूं जपया, वह सुहागण सच स्वरूप नूं सही भाव निश्चय करके धनता योग होई है। मलार महला पहला, साची सुरत नाम नहीं तृप्ते, हों मैं करत गवाया। सो ये विश्राम ध्यान दे नाल ये शब्द का ध्यान देना। ये सतगुरु महाराज पावन बचन करते हैं, जिन्हां दी सच्चे नाम विच सच्ची सुरत भाव ज्ञात नहीं, वह तृप्त नहीं होए, या नाम दी सच्ची सुरत करके जो तृप्त नहीं होए, उन्हां प्रश्नालुआं ने अपने अमोलक मनुखा जन्म नूं सो होमें करदियां निष्फल ही गवा लिया। इस प्रकार महाराज फरमाते हैं पावन बचन, पार धन पार नारी, रत निंदा बिख खाई दुख पाया। 1255 अंग ते फरमाते हैं, पराए धन पराई स्त्री ते निंदिया करन विच रत भाव प्रीति करके विशियां रूपी व्यौह खा के दुखी पौना कीता। सो जिवें बचन आउंदा सवैयां दे विच, एक रति बिन एक रति के, इस प्रकार इत्थे रत प्रीति। सो एक अकाल पुरख की प्रीति तो बिना एक रत्ती जिन्ना भी मुल नहीं पैंदा उन्हां दा, उत्थे यही अर्थ है। शब्द चीन पै कपट न छूटे, माने मोखे माया माया। गुरु उपदेश नूं जाणिया नहीं, इस करके डर ते कपट आदिक जिहड़े नहीं छुटे, ते मनमुख जिहड़े हाय माया करदे फिरदे ने। सो माया की प्राप्ति लई कई तरह के उह छल करदे फिरदे ने। अजगर भार लदे अत भारी, मर जन्मे जन्म गवाया।
ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਭਾਰੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨਿਸਫਲ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਮਨ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਜੋਨ ਭੇਖ ਬਹੁ ਕੀਮੇ, ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਰਹਾਉ। ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭਰਮ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੇਖ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੀਰਥ ਤੇਜ ਨਿਵਾਰ ਨਾ ਨਹਾਤੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਤਮੋ ਗੁਣ ਨੂੰ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਪਰ ਹਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਜਾਤ ਕੋ ਤਤ ਹੀ ਆਇਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰ ਹਰ ਹੁੰਦਾ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪਰ ਹਰ ਭਾਵ ਤਿਆਗਿਆ, ਤਿਆਗ ਛੱਡਿਆ। ਜਿੱਧਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਆਇਆ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਟੀਟਣੇ ਮਾਰਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣੇ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਮੱਛੀ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਘਿਆੜ ਬਣਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਸਟਾ ਕੀਟ ਪਏ ਉਤ ਹੀ ਤੇ ਉਤ ਹੀ ਮਾਹ ਸਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਉਸੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਧਿਕ ਸਵਾਦ ਰੋਗ ਅਧਿਕ ਆਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਰਸਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਕਰਕੇ, ਅਧਿਕਾਈ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤੇ ਰੋਗ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗਿਓਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਬਿਸ਼ਟਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਮਝ ਜਾ, ਨਾ ਇੰਨੀ ਮੱਤ ਪੁੱਠੀ, ਇੰਨੀ ਵਿੰਗੀ ਹੈ, ਪੂਛ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਜਾ ਬਣਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਰਹੱਸ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਵੀ ਚਾਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਆ, ਅਤੇ ਰਹੱਸ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ਰਹੱਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ। ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਬਾਦੀ ਬਿਨਸੈ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਗੁਰ ਕਰ ਤਾਰਾ। ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖੋਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਪਜੈ ਭਾਵ ਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੋਜੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਨੀਚ ਹੁਤੇ ਹੀਣ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਸੀ ਬੜੇ, ਹੀਣ ਭਾਵ ਤੁੱਛ ਮਤੀ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਝੂਠੇ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਆਤਮ ਚੀਨ ਤਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਰਨ, ਸੱਚ ਤਾਰੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚੀਨ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਇਸਤਤ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਦੀ। ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਚਾਨਣ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ, ਹੌਲੀ 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 ਤਮੋ ਗੁਣ ਛਡਾਈਦਾ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਛਡਾਈਦਾ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪਾਚ ਜਾਈਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮ ਚੀਨ ਤਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਰਨ, ਸੱਚ ਤਾਰੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚੀਨ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਇਸਤਤ ਹੈ।
हे तारनहार प्रभु सच नाम रूपी तारण भाव जहाज दे के तू जीवन नु तार दांगी। बैस सुथान कहां गुण तेरे क्या क्या कथा या पारा। सुथान पाठ आपां इकट्ठा ही करना है, सो सत्संगत रूप श्रेष्ठ स्थान पर बैठ के तेरे गुण कहना, पर उन्हां अपार गुणा विचों सो तेरा केड़ा केड़ा गुण कथन करां। अलख न लखी है अगम अजोनी तू नाथा नाथन हारा। हे अगम अजोनी वाहिगुरु तेरे अलख रूप सरूप नू कोई जान नहीं सकता, सो रूप अखर नहीं सरूप सरूप नू कोई जान नहीं सकता, तू नाथा नू भी नथन वाला है। इस पह देख कहो तू कैसा सब जाचक तू दातारा। धन गुरु नानक देव जी बख्शिश करके फरमाउंदे तेरे सरूप नू देख के इहदे पास जाके कहां कि तू किस तरह दा, क्योंकि सारे जीव जाचक भाव मंगते हैं, एक तू ही दाता। भगतहीन नानक दर देखो एक नाम मिला और धारा। महाराज कथन करदे मैं भगती तो हीणा तेरे सत्संग दरवाजे वल देखदा, मैनू उत्थों सिर्फ इको चीज़ चाहीदी, मैनू एक नाम दा खैर मिले ताकि उन्हें हिरदे च धार लवां। महाराज ने बाणी अंदर एक वचन किया है, अपना सवाए हृदय लै धारिया। कई लोग अपने सुभाव वास्ते गुरुद्वारे आते हैं, निज प्रयोजनी होकर आते हैं, पदार्थ वास्ते आते हैं, दूरों तो पहला पदार्थों वास्ते ही आता। पहला भगत फरीद की माता ने शक्कर ही रखी थी, जब शक्कर रखी तो उन्होंने लिव लग गई हौली हौली, फिर सारे मसाले थले शक्कर ही हो गई। हुण पहला शुरू में नहीं ब्रह्म ज्ञान की गल करी थी। कई लोग जिहड़े अजकल दे बाले आ पहले ताहां दीआं गल्लां शुरू कर देंदे ने, फिर आम बंदे नूं समझ नहीं लगती। इस करके पहला थोड़ा जिहा नेड़े लाओ, हौली हौली समझाओ। मलार महला पहला जिन धन फिरका साधना जानिया सा बिलख बदन को मलानी। सो ये बिलख पाठ नहीं करना, बिलख बदन को मलानी। जिहड़ी जीव रूप इस्त्री ने अपने पति परमेश्वर का साध हुंदा आनंद नहीं जानिया, वह जीव रूप इस्त्री बिलख हुंदा बदन चिंता तुरमूह वाली हर वेले कुमलानी मुरझाई रहिंदी है। जां बदन मूँह करके बिलख परेशान ते शरीर करके हमेशा जिहड़ी आहो वह कमलाई हुई रहिंदी है मन दे अंदर, क्योंकि वह व्याकुल है विरलाप करन वाली है। भई निरासी कर्म की फासी बिन गुर भरम भुलानी। सतगुरु महाराज जी पावन बचन फरमाउंदे वह कर्मां दी फाही विच फस के गुरु तो बिना होण करके भरम विच भुली होई पति दे मिलाप तो निरास हो गई है। बरस कना मेरा फिर कर आया। जिस वेले गुरु रूप बदल ने घना हुंदा बहुत ही उपदेश रूपी मीह वरसिया, बरसात कीती गुरां ने, तां मेरा पति परमात्मा उहदे उपदेश करके अंतकां रूपी घर दे विच प्रगट हो गया, साख्यातकार होया। बल जावां गुर अपने प्रीतम जिन हर प्रव्याण मिलाया रहाओ। मैं अपने प्रीतम गुरां तों बलिहार जांदा भाई, जिन्हां ने हरी प्रभु नूं आण हुंदा लिया के मेरे नाल मिला दिता है रहाओ। विश्राम दे के फरमाउंदे हन नौतन प्रीत सदा ठाकुर सिउं आन दिन भगत सुहावी। जिहदी अपने ठाकुर नाल सदा नवीन प्रीति परमात्मा नाल है, उहदी रात दिन भगती कीती हुई सदा शोभा वाली है, जां उह रात दिन भगती करके सदा ही शोभनीक होई है। मुक्त भए गुर दर्श दिखाया जुग जुग भगत सुभावी। सो महाराज पावन बचन फरमाउंदे हन कि जिस वेले सतगुरां ने पति परमेश्वर का दर्शन विखाया तो बंधन तो मुक्त पए आप छुट गए। जुगां जुगां विच उहदी भगती शोभनीक है। हम थारे ते भवन जग तुमरा तू मेरा हाँ तेरा। हे वाहिगुरु असी थारे हैं, तेरे पैदा किए हुए हैं, ये तीन भवन रूप जगत भी आप दी उत्पन्न किया होया, तू मेरा स्वामी है, आओ तो भाव मैं आपका दास हाँ जी। सतगुर मिलया निरंजन पाया बहोर ना भव जल फेरा। हे निरंजन वाहिगुरु सतगुरां ने मिलिया ही मैं आपनू पाया, इसलिए मेरा मुड़ के संसार विच फेरा नहीं होगा। अपना असली मकसद गुरु ग्रंथ साहब दे कोल जाणदा है कि बंधन कट के मुक्ति दी दात मिले, मुड़ के भवजल फेरा ना होवे, ये अपना मुख उद्देश होना चाहीदा। पर संगत नूं हौली हौली दसियां ही समझाया जांदा, नवें नवें बंदियां नूं हौली हौली पता लगदा कि असल विच सिखी है कि, क्योंकि पहलां तो प्रचार इन्ना गलत हो गया उहदे करके इह सारा संसार पदार्थवादी हो के आ टुकिया गुरां दे कोले। अपने फिर हर देख विगासी तो धन साची गारो। जदों अपने हरिपति नूं वेख के प्रसन्न होई आ तां मैं धन भाव इस्त्री दासी दा जिहड़ा जप तप रूपी शिंगार कीता होया साच हो गया। साच दा मतलब सफला होया। एक उल निरंजन स्यों सच साची गुरमत नाम आधारो।
महाराज फरमाते जिस वेले गुरसिख्या द्वारे सच नाम का आसरा लिया तो निश्चय करके कुल ननजन नाल मिलके सच्ची हो गई। मुक्त पई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पत पाई। गुरा ने संसार मोहे बंधन खोल दिते इसलिए मुक्त रूप हो गई। गुर शब्द विच श्रेष्ठ प्रीति करके इज्जत पाई है। नानक राम नाम हृदय अंतर गुरमुख मेल मिलाई। महाराज कथन करदे जिस गुरमुख दे हिरदे अंदर राम नाम वसिया उस गुरमुख नूं प्रभु ने अपने नाल मिला लिया। महला पहला मल्हार पर दारा पर धन पर लोभा होमै बिखै बिकार। पर दारा तो भाव पराई स्त्री है, पराया धन है, पराए पदार्थां दा लोभ है। मैं मेरी अते विशे विकार इन्हां सारिआं नूं त्याग दे। दुष्ट भाव तज निंद पराई काम क्रोध चंडार। जिहड़ा दुष्टां नाल प्रेम पाउणा है दुष्ट भाव जिहड़ा बुरा सुभाव है पराई निंदिआं नूं त्याग के काम क्रोध आदिक महां चंडालां नूं भी त्याग दे। कहिंदे मैं इह गुरु ग्रंथ साहिब नूं मंनदा। महाराज तां कहिंदे आ छड्ड दे। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं मंनदा उह छड्ड सकदा? गल्लां ही ने सिर्फ कहिण वालीआं गल्लां, किताबी अखर किताबी कीड़े मूँह दीआं गल्लां बना बना के लोगों नूं कहिंदे आ छड्ड दो आ छड्ड दो। जां तुहानूं चैक करिए तुहाडा तां कुछ भी नहीं छड्डिआ होइआ, सिर्फ एवें लोगों नूं झूठा उपदेश करना बह बह के। महल मह बैठे अगम अपार। अगम अपार वाहिगुरू शरीर महल दे विच अंत कण च बैठे हुए ने। देख लो अंदर बैठा तो है परमात्मा। भीतर अमृत सोई जन पावै जिस गुर का शब्द रतन आचार रहाओ। सो इस शरीर दे विचों अमृत रूप परमात्मा नूं उही जीव पाउंदा जिन्हें अमोलक गुर उपदेश नूं हिरदे च धारण दा आचार भाव करतब कीता। रहाओ विश्राम दे के फरमाउंदे हन दुख सुख दो सम कर जानै बुरा भला संसार। दुख सुख दो सम कर जानै बुरा भला संसार। 1256 अंग ते फरमाउंदे हन कि संसार विच दुख सुख अते बुरा भला दोहां नूं इक समान करके जाणदा है, जां दुख ते सुख दोहां नूं इक्को जिहा करके जाणदा ते बुरा कर्म छड्ड के संसार दा भला करना जाणदा। शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाईऐ सतसंगत गुर प्यार। गुरु दी सतसंगत विच प्यार करके हरी नाम सिमन विच सुरत पाईए तां शुद्ध बुद्धि हुंदी। महाराज फरमाउंदे हन ऐन सलाहा हर नाम प्राप्त गुरदाता देवनहार। हरी नाम जपण नाल दिन रात आत्म लाभ प्राप्त हुंदा है। एक गुरु ही दाते हन जो नाम दी दात देण वाले हन जी। गुरमुख सिख सोई जन पाए जिसनों नदर करे करतार। गुरमुख दी इत्थे भाव है वी मुखी गुरां दी सिक्ख्या नूं उही जीव प्राप्त करदा है, उही सुणदा है जिहदे उत्ते करतार वाहिगुरू आप कृपा दृष्टि करदा है। हुण जे कोई कर्मां वाला हुंदा तां ही गुरु दे उपदेश नूं सुणदा है। काया महल मंदर घर हर का तिसमें राखी जोत अपार। मंदरां विच्चों काया रूपी महल हरी दा अपना घर है। मंदरां विच्चों शरीर रूपी महल हरी दा अपना घर है क्योंकि उस विच अपार वाहिगुरू ने अपनी जोत रखी हुई है। कहिंदे वाहिगुरू की जोत शरीर च ही है। नानक गुरमुख महल बुलाई है हर मेले मेलन हार। सतगुरु कथन करदे गुरु नानक देव जी वह गुरमुख सरूप विच बुलाए जाते जिन्हां नूं मिलन वाला हरी सतसंग विच मिलदा। सतगुरु कहिंदे उत्थे सतसंग च आ जाओ। सतसंगत विच बैठ के फिर विचार करदे विच संगत हर तरह वसै जीओ। कहिंदे संगत च नहीं बहना, बस मंगा पूरियां हो जाण साडियां। उत्थे घरों बैठे ही फोन कर दिंदे साडा अखंड पाठ कर दिओ, हुक्मनामा घरे भेज दिओ। फिर इस तरह कार विहार बना ले अखंड पाठ साहब ते नाल पाठियां ने भी अपना बिजनेस कर लिया। फिर ताइयों तो लोग लिख लिख फिर बनते हैं यह चीज़ा। पाठी पहला नहीं सावधान रहते हैं ना, पाठी तो बेचारे आप माया के रुजगार लिए तुरे फिरते हैं। उन्हें आत्म ज्ञान आप नहीं हुंदा फिर लोगों को नहीं दे सकते, फिर बाद बदनामी कराते हैं। इस करके महाराज कहते हैं भी अपना आप संभालो सारे जाने। जेडे काम लिए बाणी मिली आ उस कार्य लिए आपई प्राप्त मानक देवरी आ गोबिंद मिल के तेरी बनिया। इस करके आ मलार महला पहला घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक पंडित नूं महाराज सच्चे पातशाह हुण उपदेश दिंदे ने पहले पातशाह दूसरे घर सुरतार च गाउण दा हुक्म है। ओंकार केवल इको एक है, सतगुरु की कृपा द्वारा ही मिलता संगत दे विच बैठ के। पवन है पाणी जाणै जात काया अग्न रहै निभरांत। जिन्हें पौण पाणी आदिक तत्तां नूं जात तो भाव उत्पन्न किया ते कई तरह दीआं जातियां नूं बणाया है उन्होंने जात हुंदा जाने।
काया हुंदी बुद्धी, बुद्धी विचों काम त्रिश्ना रूप अग नूं त्याग के सो मन नूं भ्रांति तों ने रहत करे। मन दे च कई प्रकार की भ्रांति पई हुंदी है, वो भ्रांति नूं दूर करे। इस प्रकार महाराज पावन वचन फरमाउंदे हन, जम्मै जी जाणै जे थाओ सुरता पंडित ताका नाओ। जिस वाहिगुरु दे हुक्म नाल सारे जीव जमदे हन, जे उस वाहिगुरु दे सरूप स्थान नूं जाणे तां उस पंडित दा नाम सुरता हुंदा है। सुरता हुंदा बड़ी सुरत वाला ज्ञात गे आ। गुण गोबिंद ना जाणीऐ माए, अण डीठा किस कहण ना जाए। महाराज कहिंदे भाई मायापति जो गोबिंद है उहदे समग्र गुण जाणे नहीं जांदे, वह परमेश्वर अण डीठा वेखे तो बिना, इस करके उहदा कुछ रूप रंग कहा नहीं जांदा। वह कहिंदा देखदा क्या कर आख वखाणीऐ माए रहाओ। फरमाउंदे हन माए तो पावे भाई आख हुंदा मूंह द्वारा, की रूप करके कथन करिए, क्योंकि वाहिगुरु दा तां कोई रूप ही नहीं है। ऊपर दर असमान पयाल क्यों कर कही है देहो विचार। सब तो उपर जो आकाश है, सब तो हेठा जो पताल है, इन्हां दोहां दे दर हुंदा विचकार मात लोक है। सो इन्हां दे विचकार जिहड़ा मात लोक है, इन्हां तिन्नां लोकां विचों पूर्ण है। वह परमेश्वर नूं इंदता करके किस तरह कहीए, इस गल का विचार देना करो। बिन जेहवा जो जपै हे आए, कोई जाणै कैसा नाओ। जीव तो बिना जो पुरश हयाए हिरदे करके नाम जपदा है, तां कोई की जानदा कि वह कैसा नाम जपदा है। इस तरह जब तक गुरु जी ने, गुरु महाराज ने कह के ना सुनाउणा, तद तक वह प्रभु का किवें पता लग सकदा है। महाराज अपनी जबान नाल दसणगे सारा कुछ, बाणी दे राही कृपा करदे सतगुरु महाराज। कथनी बदनी रह ने भ्रांत, सो बूझै होवै जिस दात। भ्रांति तो ने रहत हो के हरी दी हरी जस दियां कथनी कथा ते बदनी कवीशरियां करन विच लगा रहे, पर वह प्रभु नूं बूझदा उही है जिन्हों नाम की दात प्राप्त हुंदी है। एहन इस अंतर रह लिव लाए, सोई पुरख जे सच समाए। जिहड़ा पुरश सच नाम च समा के दिन रात लिव लाउण लगाउण दे अंदर इस्तत हुंदा, टिकिया होया रहिंदा, उही उत्तम पुरख हुंदा। जात कुलीन सेवक जे होए, ताका कहना कहो न कोए। महाराज कहिंदे कुलीन हुंदा उत्तम जाति विच, जे कोई उस प्रभु का सेवक होवे तां उहदा कहना जिहड़ा जस कोई भी नहीं कहिंदा। कहने का अर्थ इत्थे जस है, क्योंकि बेअंत होण करके उहदा जस कहण तो बाहर है। विच सनाती सेवक होए, नानक पणिया पहरै सोए। जे कोई सनाती भाव नीच जाति विचों वाहिगुरु का सेवक हो जाए, तो गुरु नानक देव जी कथन करते हैं, वह मेरे शरीर के चम दियां पणियां हुंदियां जुत्तियां जुत्तियां सवा के चरणा च पावे। इन्नी शरदा है कबीर सुपने हूं बरडायक है, जे मुख निसै राम ताके पाकी पान ही मेरे तन को चांगू। मेरी खलों मौजड़े गुरसिख हंड आंदे, भाई गुरदास जी ने लिखा है। धन गुरु नानक साहब, इन्नी निम्रता महाराज जी। सो इन्नी निम्रता पहला सीखनी पैनी है, परमात्मा वाल जे वधना माड़ा जा। इन्नी तो निम्रता ही नहीं है किसी च। महाराज कहने विच सनाती सेवक होए, नानक पणिया पहरै सो। नीच जाति जो कि प्रभु का दास बन जे, मैं चाहना मेरे चम दियां जुत्तियां उन्हों मैं समा के चरणा च पा दें। इन्नी एक भावना रखी महाराज सच्चे पातशाह, बहुत ही धन गुरु नानक साहब के अंदर इन्नी निम्रता है। आपां सुन के आप नूं महसूस हुंदा कि शर्म आउंदी इस गल दी, साडे अंदर किन्ना हंकार भरिया पिया। धन गुरु नानक साहब निम्रता दे पुंज हन सच्चे पातशाह।